नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बी डी आर डी टूटोरियल में आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे खुश होंगे तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों एग्जामिनेशन पर्पज से क्योंकि एटलीस्ट फोर टू सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है और इस वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आ, इस अपनी वीडियो में डाले हैं और उसके सॉल्यूशन के साथ डाले हैं उस चीज को भी कवर करेंगे तो दोज व्यूअर्स हु वांट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन काइंडली गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बाय क्लिकिंग ऑन दी फॉलोइंग लिंक यू कैन वॉच द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस ए एस को तो ये कुछ कंटेंट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर ए में जो हमें पढ़ने हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम इसके साथ करेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मजबूत कर सकें अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए तो जहाँ तक कि इस ए एस ट्वेल्व का ऑब्जेक्टिव है या सवाल है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स की लाइक सब्सिडीज कैश इंसेंटिव और ये वो ये ए एस ट्वेल्व बताता है कि कैसे जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकोगनाइज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंडीशन होंगी जो फुलफिल करनी होंगी और अगर रिफंड होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स का तो उस केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होगा और ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है मॉनेटरी ग्रांट्स पे भी और नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स पे भी तो दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और रिकोगनेशन ये सबको बताता है इस पर्टिकुलर एयर्स में कुछ कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी हैं जैसे कि मैं इन्हें पढ़ देता हूँ क्या है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन दी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज द स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्राइजेस तो इन तीनों पे ये पर्टिकुलर एय जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो आइए चलिए देखते हैं कि इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा तो बेसिकली दो तरह की अप्रोचेस होती हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स को ट्रीट करने के लिए कैपिटल अप्रोच होती है और एक इनकम अप्रोच होती है अगर कैपिटल अप्रोच है तो हम उस गवर्नमेंट ग्रांट को शेयर होल्डर फंड का पार्ट मान लेंगे और उस ग्रांट को हम प्रेजेंट करेंगे एज कैपिटल रिजर्व जो कि जो कि जिससे कि जिससे जिस, जि, जिस, जिस गवर्नमेंट ग्रांट से ना तो डिविडेंड हम पे कर पाएंगे ना उसे हम डेफिट इनकम की तरह कंसिडर करेंगे इसके अलावा एक दूसरा मेथड है इनकम मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर सकते हैं सेपरेटली या फिर उसे जनरल हेडिंग में दिखा सकते हैं अदर इनकम में या किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस से सपोज हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है सौ रुपए का और उस एसेट के रिस्पेक्ट में जो है हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बीस रुपये की और हमारा जो उस एसेट के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने इनकर्ड करे हैं तो हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से जो अपना गवर्नमेंट ग्रांट का जो अमाउंट है उसको डिटेक्ट करके दिखा सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नाउ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए इन ऑर्डर टू रिकोगोगनाइज द रेवेन्यू सॉरी इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज द गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दो कंडीशंस होती हैं सबसे पहले तो आप की जो एंटरप्राइज है उसने गवर्नमेंट ग्रांट्स लेने से पहले वो सभी कंडीशंस को फुलफिल करा हो जो उसे गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने से पहले बताई गई हो क्योंकि एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स को के लिए अप्लाई करने का और उसे लेने का सब्सिडी लेने का तो अगर वो सब कंडीशंस फुलफिल है तो आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकती है और जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो एक्चुअली रिसीव हुई हो ये एस जो है वो एक प्री कंसिव नोशन पे नहीं चलता है कि हाँ हमें जो है गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी या कोई एग्जिशन लेके नहीं चलता है हमें एक्चुअली में रिसीव हुई हूँ गवर्नमेंट ग्रांट्स और उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन हैं वो हमने फुलफिल करी हो अब सपोज गवर्नमेंट ग्रांट्स एक नॉन मोनिटरी एसेट के रूप में मिलता है हमें सपोज लाइक लैंड के रूप में मिलता है तो इन दिस केस हमें देखना होगा कि उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या है और अगर वो फ्री में मिलता है हमें तो एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो नॉमिनल कॉस्ट रहेगा और नॉमिनल कॉस्ट पे जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा नाउ कुछ प्रेजेंटेशन होती हैं ग्रांट्स की इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्सिड दो तरीके के मेथड्स होते हैं दोस्तों पहला मेथड होता है जिसमें हम ग्रांट का जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उसको एज अ डिडक्शन शो कर सकते हैं फ्रॉम दी ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट सपोज मुझे मैंने आज सौ रुपए की मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी के रिस्पेक्ट में मुझे बीस रुपए की सब्सिडी मिली तो मैं उस बीस रुपये को डिडक्ट करके दिखाऊंगा अपनी ग्रॉस वैल्यू में से जैसे सौ में से और जो यूजफुल लाइफ है उस एसेट की अगर पाँच साल है तो डेप्रिसिएशन जो है मेरा रिजल्टेंट अमाउंट जो कि अस्सी रुपये है उस पर पाँच साल डिवाइड करके हम सोलह सोलह रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर लेंगे हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में सेकेंड मेथड में क्या रहेगा कि अगर तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो डेपिशियबल एसेट के रिस्पेक्ट में मिली है तो हम उसे एज अ डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लेंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे या दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जैसे कि हम डेप्रिसिएशन के लिए दिखा रहे हैं और अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसे कैपिटल रिजर्व में दिखाया शो किया जाएगा और अगर क्या तो कहते हैं कुछ कंडीशंस हैं उसके बिहा उसकी वजह से हमें जो है वो ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट मिली है नॉन डेपरिशियेबल एसेट के रिगार्डिंग तो जो ग्रांट होगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देंगे इन द सेम पीरियड जिसमें हमने वो कॉस्ट जो है वो लगाई है अपनी In 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 order 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 to 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 receive that 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 particular particular, particular income or earn earn government grant. तो रहेगा दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है पच्चीस लाख की और बीस परसेंट का एनुअल ग्रांट सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट उन्हें मिला है और इस मशीनरी की जो लाइफ है वो दस साल है अब एज एन चीफ अकाउंटेंट हमें अपनी कंपनी को इस प्रोसेस के बारे में बताना है कि कैसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे शो करेंगे या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा या क्या प्रेजेंटेशन रहेगी तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि पहले मेथड में तो हम इसे जो ग्रांट है उसका जो अमाउंट है उसे डिडक्शन एज अ डिडक्शन हम शो कर देंगे फ्रॉम बुक फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द मशीनरी तो दो पच्चीस Uh, 25 लाख में से हम 20 परसेंट ऑफ 25 लाख जो है माइनस कर देंगे और रिजल्टेंट अमाउंट रह जाएगा 20 लाख तो 20 लाख जो रिजल्टेंट अमाउंट रहेगा उस पे टेन ईयर्स से डिवाइड करके हम जो अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर लेंगे और सेम उसी तरह से जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो भी उसी बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगी डेप्रिसिएशन के बेसिस पे सेकेंड पार्ट पे हमें क्या रहेगा कि हम इसे डेफिनेट इनकम मान लेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में उसी तरह रिकोगनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन और मशीनरी जिस तरह से डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज हो रहा है यूजफुल लाइफ पे वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी हम यूजफुल लाइफ के बेसिस पे चार्ज करते जाएंगे सॉरी रिकोगनाइज करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हर साल अप टू टेन ईयर्स तक तो दोस्तों कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो रिफंड करनी पड़ती है एक कंपनी को सपोज आपने कुछ कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं करी हैं उस रिलेटेड ग्रांट से तो उस केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा आइए देखते हैं तो पहले केस में तो अगर सपोज आपके जो जो ग्रांट जो ग्रांट है उसके रिलेटेड में आपके पास अगर कुछ क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है अपने गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड देन हम उस जो जो अमाउंट रिफंड हुआ है उसके उसको हम अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एनोटाइज डेफिट क्रेडिट को सेट ऑफ करने में सपोज सौ रुपए का जो एनमोटाइज डेफिट इनकम बैलेंस है वो पड़ा हुआ है आपके उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दिखा रहे हैं कि सौ रुपए का डेफर्ड इनकम बैलेंस बचा हुआ है और आपको जो रिफंड करने है अमाउंट वो करना है दो सौ रुपए तो इन दैट केस सौ रुपए का जो अमाउंट बच जाएगा वो जो सेटअप हो जाएगा और जो सौ रुपए का अमाउंट जो बच जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा जो सौ रुपए होंगे वो तो सेटअप हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट सौ रुपये बच जाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा अगर जो अमाउंट है वो कम है सपोज वो अगर कम है सपोज आप कह सकते हो कि मान लो सेवेंटी फाइव रुपीज़ की गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास थी और आपका जो बैलेंस है वो हंड्रेड रुपीज़ आ रहा है देन इन डैट केस सबसे पहले उसको हम सेट ऑफ करेंगे आ, अपने इस वाले पहले सेवेंटी फाइव रुपीज़ को सेट ऑफ सेवेंटी फाइव रुपीज़ को सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट हंड्रेड रुपीज़ और जो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ बच जाएगा वो बाद में सेट ऑफ किया जाएगा जब कोई और ग्रांट होगी उसके रिलेटेड नाउ अगर कोई रिफंड ऑफ ग्रांट है इन रिलेशन टू स्पेसिफिकैट केस जो फिक्स डेसिट की ग्रॉस वैल्यू होगी जो सॉरी बुक वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय डैट पर्टिकुलर अमाउंट जो कि हमें रिसीव हुआ है तो सपोज अगर हमें सौ हमने सौ रुपए की मशीनरी खरीदी और उस पर हम हमने हमें जो है वो बीस रुपये का ग्रांट मिला है गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो हम पहले तो सबसे पहले अपनी जो बुक वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करके और उसके बाद अगर सपोज चौथे साल में हम अपनी जो है वो मशीन बेच रहे हैं तो जितना उस जितना उस मशीनरी का बुक वैल्यू होगा उस टाइम पे फोर्थ ईयर के एंड में उसमें हम जो है गवर्नमेंट ग्रांट जो कि बीस रुपए है उसको ऐड कर देंगे ये मैं कॉमन लेमन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखा है आप वहां से देख लीजिएगा ताकि आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें अब अगर रिफंड जो है वो इन द नेचर ऑफ प्रमोशन कॉन्ट्रीब्यूशन है तो देन उस केस में जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो कैपिटल रिजर्व से जो है वो माइनस हो जाएगा लेस कर देंगे हम उसको तो जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में तो इस केस में एक कंपनी है जिसने तीन सौ रुपए जिसे तीन सौ रुपए की ग्रांट मिली है और पंद्रह सौ रुपए की जो मशीनरी है उसने खरीदी है और इसके दस साल की लाइफ है और इस दो हजार ड्यूरिंग दो हजार उन्नीस बीस जो है उनसे कुछ नॉन कंप्लाइंस हो जाती है जिसकी वजह से उनको तीन सौ रुपए का जो ग्रांट का अमाउंट है वो रिफंड करना पड़ता है और उस टाइम उनके डेफर्ड इनकम में जो बैलेंस है वो दिखा रहा है 210 लाख और डब्ल्यू वैल्यू है प्लांट की 1050 लाख तो दो केसेस हैं दोस्तों इसमें हमें पहले देखना होगा कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा रिफंड ऑफ द ग्रांट का और इसका क्या इफेक्ट होगा फिक्स एसेट पे और डेप्रिसिएशन पे फॉर द ईयर 2019-20 तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले साइड्स में कि जो भी अमाउंट रिफंडेबल होगा अगर वो कम है डेफर्ड बैलेंस से जो कि Uh, आपके डेफर्ड इनकम बैलेंस में शो हो रहा है तो सबसे पहले तो जो एनामाटाइज बैलेंस है उसको सेट ऑफ करने के लिए वो रिफंड जो है वो यूटिलाइज होगा तो इस केस में जो हमारे पास रिफंड uh, का बैलेंस है वो ज्यादा है और जो डेफर्ड इनकम का बैलेंस है वो कम है तो इस केस में जो 90 लैक्स अमाउंट है जो कि रिजल्टेंट अमाउंट आ रहा है फ्रॉम द डिडक्शन ऑफ डेफर्ड इनकम आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड तो नाइन्टी लैक्स जो है वो चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और फिक्स एसेट पे की कॉस्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डेपोजिशन जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं उसी तरीके से जो है हमारा डेपोजिशन भी चार्ज होगा इन द सेकेंड केस हमें यह देखना है कि रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होगा अगर ये जो ग्रांट है वो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीनरी जो डिडक्ट कर लिए तो इस केस में हमें हमने हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट है वो हमारी हो जाएगी 300 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी जो कि हमें एक्चुअल रिसीप्ड अमाउंट हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट का और फिर जो रिजल्टेंट अमाउंट होगा उसको हम सॉरी जो ये 300 सौ रुपये लाख की जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो जो एमोटाइज होगी वो रेजिडल लाइफ के बेसिस पे एमोटाइज होगी और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जो कि बारह सौ रुपए जो हमारा रिजल्टेंट अमाउंट आया है ग्रॉस गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिड्यूस करके उसका प्लस जो तीन सौ रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट डिवाइड बाय सेवन दैट इज रेजिड लाइफ और उसके बेसिस पे हमारा जो है गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो सॉरी जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो जाएगा नाउ uh, कुछ डिस्कलोजर्स हैं जो हमें करने होंगे इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो बतानी होगी फॉर मेजरिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स और कुछ मेथड्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन के जो हमने यूज़ करे हैं फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स वेदर इट इस रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक फिक्सड एसेट और कोई नॉन डेप्रिशबल एसेट के अगेंस्ट के रिगार्ड्स में अगर कुछ प्रेजेंटेशन करिए तो वो भी हमें डिस्क्लोज करनी होगी और नेचर और एक्सटेंट बताना होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो रिकोगनाइज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो कि इंक्लूड करेगा मॉनेटरी एसेट्स की ग्रांट्स को भी तो दोस्तों यहीं यहाँ पर मेरा ये जो ए एस ट्वेल्व है वो ख़त्म होता है आपकी कुछ भी डाउट्स हों इस पर्टिकुलर ए एस से रिलेटेड तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे पोस्ट कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें Thank you so much.